नमस्कार दोस्तों, माई किसान दोस्तों यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है यश जाट और दोस्तों जैसे कि मैं चैनपुरा गौशाला में यहाँ आया हुआ हूँ। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने बताया था कि गौशाला के अंदर गोबर से लकड़ी किस तरीके से बनाई जाती है, उसका क्या फ़ायदा है और किस रेट में वो बिकती है। अब हमने यहाँ पर दूसरी मशीन देखी है और हमारे साथ पवन भैया है, तो हम पवन भैया से जानते हैं कि ये एक और जो मशीन इन्होंने लगा रखी है उसका क्या फ़ायदा है। पवन जी स्वागत है आपका माई किसान दोस्तों यूट्यूब चैनल पर। आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ये जो मशीन आपने लगाई है एक और, इसका क्या उपयोग है? ये जो हमने मशीन लगवाई है खास तौर से ये गोबर का रस निकालने के लिए लगाई है। अच्छा, गोबर का रस, क्योंकि जो अपन खाद डालते हैं वो 6 महीने के लगभग लगता है और इसको डालने से 10-12 दिन में इसका उपयोग हो जाता है। अच्छा, यानी कि गोबर के अंदर से जो पानी रहता है वो आप निकालते हैं, रस यानी अर्क। जी, गोबर का अर्क निकल रहा है। तो ये कहाँ पर बेचा जाता है? ये सर यही अपने यहीं से पैक होके जाता है। अच्छा, इसके क्या पैसा मिलता है? ये 300 रुपये लीटर जाता है। 300 रुपये लीटर, काफ़ी महंगा ये अर्क निकलता है। तो ये कितने गोबर के इस्तेमाल से 1 लीटर के लगभग निकलेगा? ये अपने को 1 किलो में 100 ग्राम के लगभग निकलता है। 1 किलो गोबर से मात्र 100 ग्राम निकलता है। इसमें पानी भी मिलाया जाता है? पानी नहीं, पीला प्योर गोबर का अर्क निकलता है। इसमें ना पानी मिलाया जाता है ना इसमें गोमूत्र मिलाया जाता है। आप थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताएंगे कि किस तरीके से इसमें आप गोबर से ये पानी निकालते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, किस प्रकार का जो गोबर है वो यूज़ करते हैं? इसमें जो तो अपन सुबह सुबह जो गीला गोबर होता है ना वो उठाना पड़ता है, वो उठा के बाद में इसमें डाला जाता है। डालने के बाद मशीन चालू होने के बाद यहाँ से अर्क निकलता है। अच्छा, अर्क निकलने के बाद जो वेस्टेज गोबर होता है वो इधर साइड से बाहर निकल जाता है। अच्छा, उससे अपन जो अभी मैंने अगले यूट्यूब में बताया था आपको ईंटें बनाने के लिए, तो प्लस ये कि इसका अर्क निकलने के बाद वो ईंटें बनती है। अच्छा, वो लकड़ी बनती है अपनी गोबर की। यानी कि पवन भैया ने काफ़ी अच्छी बात बताई है कि जो गोबर होता है इनके गौशाला में पहले वो इस मशीन में डाला जाता है, उसके अंदर जितना भी अर्क होता है वो इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसी गोबर को आप लकड़ी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि 5-6 रुपये किलो आपकी लकड़ी चली जाती है, 300 रुपये लीटर अर्क बिक जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि काफ़ी अच्छा फ़ायदा इनको गौशाला में होता है, अर्क बन जाता है, अर्क के बाद फिर आपकी लकड़ी बन जाती है। पवन भैया, इस मशीन के बारे में आप बताइए, कितनी लागत की ये है, किस तरीके से आपने तैयार की है? इसकी लागत कम 3 लाख रुपये के लगभग। अच्छा, 3 लाख रुपये की इसमें महंगी है। अच्छा, ये काफ़ी महंगी मशीन है 3 लाख रुपये की। तो इसके अंदर मतलब आपने किस जो मोटर है वो कौन सी लगाई हुई है? इसमें 7 हॉर्स पावर की मोटर लगाई है। अच्छा, इसमें प्रतिदिन आप कितना अर्क तैयार करते हैं? प्रतिदिन अपन मान के चलो 15 से 20 लीटर। अच्छा, ये अर्क कहाँ पर भेजा जाता है? ये अर्क जैसे कोई अफीम वाला है। अच्छा, सब्जी वाला है। अच्छा, उसके लिए जाता है। यानी कि ये मतलब इसका जो खास पोषक तत्व है गोबर के अंदर से जो भी जो पावरफुल चीज़ें हैं वो ये अर्क है। अच्छा, हमारे आसपास के जो बगीचे वाले हैं, प्लांट वाले हैं, वो आके हमसे ले जाते हैं। अच्छा अच्छा, नर्सरी वाले ज़्यादा उपयोग करते हैं इसका। अच्छा, सब्जी वगैरह में। अच्छा, ये इसका सीधा स्प्रे किया जाता होगा? स्प्रे किया जाता है, चाहे अपन पानी के साथ भी दे सकते हैं इसको। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों मैं आपको पूरी ही मशीन बताने वाला हूं कि किस तरीके से इसमें ये काम करते हैं। पवन भैया, आप हमें थोड़ा सा इसमें समझाइएगा कि कहां से गोबर डालते हैं, किस तरीके से ये आप करते हैं। अपन वहां से गोबर उठाएं, इसमें डाल दिया। गोबर यहां डालने के बाद यहां से उसकी फेड होती है। अच्छा, यहां से फेड होने के बाद इधर साइड में अर्क निकल जाता है इसका। अभी चलाया हमने, अर्क निकालने के बाद ईंटें बन रही। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है यहाँ से नीचे से ये अर्क निकला हुआ है, ये बिल्कुल छना हुआ है ना? नहीं, हाँ। अच्छा, ये इस तरीके का ये अर्क है। अच्छा, और यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ से भैया गोबर डालते हैं, इधर उस पूरा ही उसका जो पानी होता है, जो रस होता है, वो सब यहाँ नीचे की तरफ आ जाता है और इस तरफ जो बचा हुआ गोबर है वो आ जाता है। उस गोबर को यहाँ पर इकट्ठा करके फिर यहाँ बनी मशीन में डाल दिया जाता है और फिर इसकी लकड़ी तैयार की जाती है। यानी कि गोबर का पूरा इस्तेमाल यहाँ पर गौशाला के अंदर किया जाता है। अगर किसी को ये मशीन चाहिए या फिर जो गोबर से लकड़ी बनाने वाली मशीन चाहिए तो उसके लिए कहाँ पर संपर्क करना पड़ेगा? हम तो चाहते हैं कि किसान भाई गोबर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और इनकम अच्छी हुआ है। हम तो चाहते ही हैं कि किसान भाई समृद्ध हो,
इसलिए हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर राजमहल लोहार से संपर्क कर सकते हैं जहाँ पर वो बनाते हैं। पवन भैया आपके जो नंबर है वो दे दीजिए और जो राजमल जी लोहार है उनके नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिन भी किसान भाइयों को उनसे संपर्क करना है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप संपर्क कर सकते हैं। पवन भैया आपके क्या मोबाइल नंबर है? मेरा मोबाइल नंबर है 9098209782। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अन्य किसान भाइयों तक शेयर करिएगा। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।